दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ, गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण है। लीजिए लिवोजन टॉनिक, इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। मार्च के महीने में इंडिया में कई स्मार्टफोन लॉन्च हुए। इनमें माइक्रोमैक्स इन वन जैसे सस्ते फोन से लेकर वन प्लस 9 और वीवो X60 सीरीज जैसे प्रीमियम फोन भी शामिल है। हर फोन की कुछ ना कुछ खूबी रही, सब में कुछ ना कुछ कमी भी रही। हम पिछले महीने आए ऐसे ही स्मार्टफोन्स के बारे में आपको बताएंगे, इनकी कीमत और खूबियों के साथ। मोटो G10 पावर, इस फोन की शुरुआत होती है 9,999 रुपए से और इसके स्पेक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। मोटोरोला के मोटो G10 पावर स्मार्टफोन में सबसे अच्छी चीज इसकी 6000 mAh की बैटरी और 48 MP का बैक कैमरा है। इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग काफी टाइम लेगी। प्रोसेसर भी थोड़ा सा कमजोर है, मगर 10,000 रुपए में इससे ज्यादा की उम्मीद करना भी अच्छी बात नहीं। माइक्रोमैक्स इन वन, इस फोन की शुरुआत 10,499 रुपए से होती है और स्क्रीन पर इसके स्पेक्स आपके सामने हैं। माइक्रोमैक्स इन वन में कीमत के हिसाब से काफी सही स्पेक्स यानी कि फीचर हैं। स्टॉक एंड्रॉयड होने की वजह से सॉफ्टवेयर भी फास्ट है। स्टॉक एंड्रॉयड मतलब कि वो सॉफ्टवेयर जो गूगल की तरफ से भेजा गया और बिना किसी बदलाव के सीधे आपके फोन में मिल रहा है। मगर ये फोन फिर भी एंड्रॉयड 11 की जगह एंड्रॉयड 10 पर काम करता है। कंपनी का कहना है कि एंड्रॉयड 11 अपडेट मई में आ जाएगी। चूंकि फोन एंड्रॉयड 10 पर चल रहा है, इसलिए माइक्रोमैक्स शायद इसे एंड्रॉयड 12 से ऊपर अपडेट ना दे। मोटो G30, इस फोन की शुरुआत 10,999 रुपए से हो रही है और स्क्रीन पर स्पेक्स आपके सामने हैं। 11,000 रुपए के अंदर मोटो G30 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देता है। रिफ्रेश रेट आमतौर पर 60 हर्ट्ज होता है। ये जितना ज्यादा होता है फोन की स्क्रीन पर सब कुछ उतना ही स्मूथ चलता है। इसके साथ में आपको 64 MP का बैक कैमरा भी मिलता है, मगर यहाँ भी मोटो G10 की ही तरह प्रोसेसर थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। सैमसंग गैलेक्सी M12, इस फोन की शुरुआत 10,999 रुपए से होती है और स्पेक्स आपकी स्क्रीन पर है। सैमसंग के M सीरीज के फोन हमेशा ही कीमत के हिसाब से बढ़िया स्पेक्स देते हैं। गैलेक्सी M12 भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। 11,000 रुपए के अंदर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, 48 MP का बैक कैमरा और 6000 mAh बैटरी मिल रही है। मगर दिक्कत यहाँ चार्जिंग स्पीड की है। 15 वॉट की चार्जिंग इतनी बड़ी बैटरी को फुल करने में काफी टाइम लगा देगी। रेडमी नोट 10, इस फोन की शुरुआत 11,999 रुपए से हो रही है और स्पेक्स आपकी स्क्रीन पर है। Xiaomi का Redmi Note 10 स्मार्टफोन 12,000 रुपए के अंदर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले दे रहा है, मतलब कि स्क्रीन बहुत ही बढ़िया है। साथ में बैटरी, चार्जिंग स्पीड और कैमरा भी अच्छे हैं। फोन में अगर 5G सपोर्ट होता तो बेहतर होता। कंपनी शायद 5G सपोर्ट वाला लाइनअप भी लॉन्च करेगी, मगर उनकी कीमत ज्यादा होना तय है। Realme 8, इस फोन की शुरुआत 14,999 रुपए से हो रही है और स्क्रीन पर स्पेक्स आपके सामने हैं। Realme 8 बहुत ही हल्का और पतला स्मार्टफोन है। फीचर भी काफी अच्छे हैं। बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड से लेकर प्रोसेसर और कैमरा की परफॉर्मेंस भी अच्छी नजर आ रही है। फोन में सुपर एमोलेड स्क्रीन है जो LCD के मुकाबले ज्यादा अच्छे कलर दिखाती है, लेकिन स्क्रीन में रिफ्रेश रेट ज्यादा नहीं है। आपको बस 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिलता है। Redmi Note 10 Pro, इस फोन की शुरुआत 15,999 रुपए से हो रही है और स्पेक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। Redmi Note 10 Pro में वो सारे स्पेक्स और फीचर्स हैं जो इस कीमत के फोन में होने चाहिए। कैमरा स्क्रीन तो काफी बेहतरीन है, मगर दिक्कत यहाँ Redmi के 6 64GB वाले स्टोरेज मॉडल की है। 64GB स्टोरेज अब सिर्फ 9-10 हज़ार के फोन में आ रहा है। Xiaomi ने शायद फोन की शुरुआती कीमत को कम रखने के लिए कम स्टोरेज वाला मॉडल निकाल दिया है। Realme 8 Pro, इस फोन की शुरुआत हो रही है 17,999 रुपए से और स्पेक्स आपकी स्क्रीन पर है। Realme 8 Pro करीब 18,000 रुपए में 108 MP का बैक कैमरा, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है। Realme 8 की ही तरह ये भी बहुत हल्का और पतला फोन है, मगर फोन में दो दिक्कतें हैं। पहली तो ये कि 18,000 रुपए में भी 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिल रहा है। दूसरी बात ये कि इसमें 5G कनेक्टिविटी नहीं है। कंपनी बाद में 5G मॉडल निकालेगी, मगर उसकी कीमत और भी ज्यादा होगी। Redmi Note 10 Pro Max, इस फोन की शुरुआत हो रही है 18,999 रुपए से और स्पेक्स आपकी स्क्रीन पर है। Redmi Note 10 Pro की ही तरह Redmi Note 10 Pro Max भी जबरदस्त स्पेक्स के साथ आया है, मगर यहाँ भी वही दिक्कतें हैं जो इस सीरीज के बाकी फोन में हैं।
5G कनेक्टिविटी का ना होना और शुरुआती कीमत को कम रखने के लिए 64GB वाला स्टोरेज मॉडल देना। अगर आपको 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा की जरूरत नहीं है तो आप शायद मैक्स को छोड़कर प्रो मॉडल लेना ज्यादा पसंद करें। पोको X3 प्रो, इस फोन की शुरुआत 18,999 रुपए से हो रही है और स्पेक्स आपकी स्क्रीन पर है। 18,999 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ पोको ने ऐसा फोन लॉन्च किया जो एकदम ही फ्लैगशिप की तरह काम करेगा। पोको X3 प्रो में स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर है, इसके साथ ही इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है। इसका मतलब ये कि दूसरे फोन के मुकाबले पोको का डिवाइस फाइल को बहुत ही स्पीड में पढ़ भी लेगा और स्टोर भी कर लेगा। मगर इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। पोको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन तो दे रहा है मगर ये एमोलेड ना होकर LCD पैनल है। दूसरी दिक्कत इसके वजन की है, फोन बहुत ही भारी और मोटा है। ओप्पो F19 प्रो, इस फोन की शुरुआत 21,490 रुपए से हो रही है और स्पेक्स आपके सामने हैं। ओप्पो F19 प्रो के स्पेक्स अच्छे हैं मगर ये रियलमी और शाओमी के फोन जैसा सस्ता नहीं है। स्पेक्स के आधार पर ये रेडमी नोट 10 फोन की याद दिलाता है मगर कीमत में कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही 20,000 रुपए से ऊपर कीमत होने के बावजूद भी यहाँ ना रिफ्रेश रेट ज्यादा है और ना ही कैमरे में कुछ खास है। ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G 25,990 रुपए से शुरू होता है ये फोन और स्पेक्स आपके सामने हैं। ओप्पो F19 प्रो की तरह ही F19 प्रो प्लस का भी हाल है, इसके स्पेक्स अच्छे हैं मगर कॉम्पिटिशन के सामने कीमत काफी ज्यादा है। लगभग इन्हीं स्पेक्स के साथ रियलमी X7 स्मार्टफोन आता है और उसकी कीमत इससे बहुत कम है। सैमसंग गैलेक्सी A52, इस फोन की शुरुआत होती है 26,499 रुपए से और स्पेक्स आपके सामने हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि सैमसंग ने मेन कैमरे के अलावा बैक पर लगे हुए दूसरे कैमरों पर भी ध्यान दिया है। गैलेक्सी A52 में मौजूद 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा इस फोन में चार चांद लगा देता है। फोन की 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड स्क्रीन भी अच्छी है मगर 26,000 रुपए लेकर भी सैमसंग 25 वॉट से ऊपर फास्ट चार्जिंग देने को तैयार नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी A72, इस फोन की कीमत शुरू होती है 34,999 रुपए से और स्पेक्स आपके सामने हैं। गैलेक्सी A52 की ही तरह गैलेक्सी A72 भी बैक कैमरों पर अच्छा खासा ध्यान देता है। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी है। ये सेंसर आपको 3x ऑप्टिकल जूम करके फोटो खींचने का फीचर देता है, मतलब कि आप इतना जूम करके फोटो खींचेंगे तब भी पिक्चर फटेगी नहीं। मगर इस फोन की कीमत इतनी ऊपर हो गई है कि 35,000 रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आपको स्नैपड्रैगन 720 प्रोसेसर और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग ही मिल रही है तो फिर क्या ही फायदा है। Vivo X60, इस फोन की कीमत शुरू होती है 37,990 रुपए से और स्पेक्स आपके सामने हैं। Vivo X60 सीरीज कैमरे पर फोकस्ड लाइनअप है। इसका सबसे सस्ता फोन Vivo X60 है। इसमें 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ में 13 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड स्क्रीन है। फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर भी है। स्पेक्स के आधार पर तो कमियां नहीं दिखाई पड़ रही मगर रिव्यू से ही असली तस्वीर सामने आ पाएगी। OnePlus 9R, इस फोन की शुरुआत हो रही है 39,999 रुपए से और स्पेक्स आपके सामने हैं। OnePlus 9R भी Vivo X60 जैसे स्पेक्स के साथ आता है। दोनों के फीचर और कीमत में खास फर्क नहीं है लेकिन अगर आप OnePlus 9R को OnePlus 9 या 9 Pro से कंपेयर करेंगे तो 9R लेने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि OnePlus के बाकी के दो फोन कीमत में तो ज्यादा हैं मगर इनकी खासियत और भी ज्यादा है। Vivo X60 Pro, इस फोन की शुरुआत होती है 49,990 रुपए से और स्पेक्स आपके सामने हैं। Vivo X60 Pro और Vivo X60 के बीच कीमत के अलावा दो फर्क हैं। पहला यह कि प्रो मॉडल में कर्व डिस्प्ले है, मतलब कि स्क्रीन समतल ना होकर किनारों पर मुड़ी हुई होती है। दूसरा फर्क यह कि प्रो मॉडल के कैमरे में गिम्बल सिस्टम है। गिम्बल वो डिवाइस होता है जिसमें आपका फोन सेट हो जाता है, बहुत ही स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग हिलती डुलती नहीं। और इसी डिवाइस वाला सिस्टम कैमरे में सेट किया गया है कि जब आप फोन को हिलाते हैं तो अंदर लगा हुआ कैमरा सेंसर उसके उलट हिलकर आपकी फुटेज को स्टेबलाइज रखता है। OnePlus 9, इस फोन की शुरुआत होती है 49,999 रुपए से और स्पेक्स आपके सामने हैं। OnePlus 9 स्मार्टफोन में सारे प्रीमियम फीचर हैं। फोन में फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड स्क्रीन है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। यह अल्ट्रा वाइड लेंस एक फ्री फॉर्म लेंस के साथ आता है, मतलब अल्ट्रा वाइड पिक्चर में अंदर की तरफ जो हिस्से मुड़ जाते हैं ये फोन उन्हें पकड़ के सीधा कर देता है।
फोन की कमी इसमें पड़ा हुआ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। एक प्रीमियम फोन के नाते OnePlus यहाँ पर एक अच्छा टेलीफोटो लेंस दे सकता था, जिसकी मदद से OnePlus 9 अच्छे से जूम करके फोटो क्लिक कर पाता। Asus ROG फोन 5 सीरीज। इस सीरीज की शुरुआत होती है 49,999 रुपए से और स्पेक्स आपके सामने हैं। Asus ने ROG फोन 5, ROG फोन 5 प्रो और ROG फोन 5 अल्टीमेट लॉन्च किए। बेसिक मॉडल में 8GB और 12GB रैम है, प्रो मॉडल में 16GB रैम है और अल्टीमेट मॉडल में 18GB रैम है। इस लाइनअप के सारे फोन में एक जैसे स्पेक्स हैं, बस प्रो और अल्टीमेट मॉडल में बैक पर एक्स्ट्रा स्क्रीन है, गेमिंग फीचर भी ज़्यादा हैं। डिवाइस की 144Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड स्क्रीन बड़ी कमाल की है। Asus ROG फोन में कैमरे की शिकायत हमेशा रही है, मगर रिव्यू करने वालों ने इस सीरीज के कैमरे को भी अच्छा बताया है। इसकी एक कमी इसका वजन है। जो लोग गेम खेलने के लिए इसे लेंगे उन्हें तो दिक्कत नहीं होगी, मगर नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोगों को शायद इतना बड़ा और भारी फोन पसंद ना आए। OnePlus 9 Pro। इस फोन की शुरुआत होती है 64,999 रुपए से। OnePlus 9 Pro में OnePlus 9 वाली सारी खूबी तो है ही, साथ में इसकी स्क्रीन बेहतर है। इसमें एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। बस ये फोन इतना महंगा है कि इसके लिए आपको अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ेगी। Vivo X60 Pro Plus। इस फोन की शुरुआत होती है 69,990 रुपए से और स्पेक्स आपकी स्क्रीन पर है। Vivo की X60 सीरीज में Vivo X60 Pro Plus बिल्कुल ही अलग फोन दिखता है। ऐसा इसके कैमरा सिस्टम की वजह से है। इसके एक्स्ट्रा कैमरे नाम करने के लिए नहीं लगे हैं, बल्कि हर लेंस काफी कुछ प्रॉमिस करता है। फोन के शुरुआती रिव्यू कैमरे के बारे में काफी अच्छा अच्छा बोल भी रहे हैं, बस Vivo के सॉफ्टवेयर के बारे में उतना अच्छा सुनने को नहीं मिला। तो बस हमारी लिस्ट में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द ललन टॉप।